Hi friends, let's do one more practice problem on thermodynamics. The question is, a gas expands against a variable pressure given by P is equal to 20 by V, where pressure is in atmosphere and volume is in liters. During expansion from 1 liter to 10 liter, delta U, that is change in internal energy, is found to be 400 joules. Find the heat absorbed. So question बहुत simple सा है. इस बार हमारे पास प्रेशर जो है वो वेरिएबल है, मुझे वॉल्यूम का चेंज दिया हुआ है. दिस इज इनिशियल वॉल्यूम V1, दिस इज फाइनल वॉल्यूम V2, डेल्टा U इज गिवन. तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाऊंगा. अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. डेल्टा U की वैल्यू मुझे गिवन है 400. वर्क डन मैं निकाल सकता हूँ प्रेशर की हेल्प से. तो अगर ये दोनों चीज़ें आ गई तो इन दोनों को यूटिलाइज करके मुझे क्यू मिल जाएगा. तो अल्टीमेटली सबसे पहला काम है वर्क डन निकालना. तो पहले मैं वर्क डन निकालता हूँ. वर्क इज माइनस पी एक्सटर्नल डी वी का इंटीग्रल, ठीक है. तो ये माइनस 20 बाय वी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डी वी. और लिमिट्स क्या होंगी, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 लीटर से 10 लीटर, ठीक है. दैट इज माइनस 20 इंटीग्रल ऑफ डी वी बाय वी 1 से 10 तक. नाउ डी वी बाय वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज एल एन वी 1 से 10 तक. सो दिस गिव्स मी माइनस 20 एल एन ऑफ 10 माइनस एल एन ऑफ 1. हम एक काम करते हैं, नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो उसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, 2.303. तो इफेक्टिवली वर्क डन इज माइनस 20 इंटू 2.303 लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 1. लॉग 1 तो 0 होता है, लॉग 10 1 होता है. तो इफेक्टिवली माइनस 20 इंटू 2.303 ये आंसर आ गया. नाउ द यूनिट ऑफ वर्क डन विल बी लीटर एटमोसफियर, क्योंकि हमने वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लिया है और प्रेशर को हमेशा एटमोसफियर में दिया है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है. तो ये अगर लीटर एटमोसफियर में है तो अब मुझे वर्क डन को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जूल्स में इट विल बिकम 101.3. ये हमने पिछले काफ़ी सारे वीडियोज में कन्वर्जन किया है. 1 लीटर एटमोसफियर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स. तो इफेक्टिवली 20 इंटू 2 दैट इज 40 एंड 40 इंटू 100 तो 4200 के आसपास कुछ आएगा. अभी एक अपने को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. तो लेट्स सी, लेट्स टेक W इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने x बोल दिया. तो वर्क डन आ गया, हम लोग एक कैलकुलेटर से बड़ा इजीली कर सकते हैं. उसके बाद हमें फर्स्ट लॉ में वैल्यूज पुट करनी है. डेल्टा U की वैल्यू थी 400, Q की तो वैल्यू निकालनी है और वर्क डन की वैल्यू आ गई माइनस एक्स. तो ये जो एक्स है ये उधर जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी ये. तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 5000 के आसपास आएगा. सो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी 5065.8. तो आप घर पे जब कैलकुलेटर से इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आंसर चेक करने के लिए ये फाइनल आंसर है. पर हमने कैसे किया, हम जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट लॉ लगाया. फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस W. डेल्टा U की वैल्यू गिवन है. वर्क डन अगर मैंने निकाल लिया तो Q आराम से आ जाएगा. वर्क डन कैसे आ रहा है, वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डी वी. पी एक्सटर्नल की वैल्यू डाली, दैट इज 20 बाई वी डी वी. पूरा इंटीग्रेट किया फ्रॉम लिमिट्स 1 to 10. तो फाइनली जो आंसर आ गया दैट केम आउट टू बी इन लीटर एटमोसफियर, उसको कन्वर्ट किया जूल्स में और उसके बाद उसको उधर लेके गए. वर्क डन की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, उसको उधर ले गए. तो फाइनली हीट की वैल्यू आ गई 5065.8 जूल्स. तो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे. थैंक यू.